हेलो प्रिपा लवर्स, तो कहते हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू डे के साथ एंड प्रीव्यू में आपने देख ही लिया है आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई आज हम ग्लो ऐड करना सीखने वाले हैं अपने 3D कैरेक्टर में। काफी इजी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक फोटो एडिटर को आपको ओपन कर लेना है एंड जो आपके कैरेक्टर का टेक्सचर होगा वो आपको इम्पोर्ट कर लेना है एंड जिस भी पार्ट में आपको ग्लो ऐड करना है उसका आपको PNG क्रिएट कर लेना है। एग्जाम्पल आपको इस विंग में अगर ग्लो ऐड करना है तो इसका आपको PNG क्रिएट कर लेना होगा एंड PNG कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आपको YouTube पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। देन आपको क्या करना है, ब्लेंडर को ओपन कर लेना है एंड देन आपको शेडिंग टैब में आ जाना है। शेडिंग टैब में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक PNG क्रिएट कर रखा है, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड में। देन अब आपको क्या करना है, जो PNG है इसको आपको यहाँ पर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो इसका कलर है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है इमेशन के साथ। अगर आपने अपने कैरेक्टर में पहले जो टेक्सचर्स हैं वो ऐड नहीं कर रखे, पहले टेक्सचर ऐड कर लेना एंड देन आपको इसको जो आपकी PNG होगी देन आपको इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हल्का ग्लो आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक बार रेंडर व्यू भी चेंज करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर बहुत हल्का सा ग्लो आ रहा है। तो ग्लो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज में आ जाना है एंड यहाँ पर एक ब्लूम वाला ऑप्शन होगा इसको आपको चेक कर लेना है एंड जो इंटेंसिटी है वो आपको फुल कर लेनी है अगर आपको ग्लो बहुत ज्यादा चाहिए। तो अभी भी ग्लो काफी कम आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको एक नोड ले लेना है ब्राइट कॉन्ट्रास्ट का एंड इसको यहाँ पर बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर आप इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो जो आपका करेक्टर होगा वो खराब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो ब्राइटनेस है 1 दे रहे हो तो जो कॉन्ट्रास्ट है आपको वो 2 देना होगा तो ही आपका जो करेक्टर है उसमें ग्लो सही से ऐड होगा। अगर मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ तो जो मेरा पूरा करेक्टर वो खराब हो जाएगा एंड अगर मुझे और ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नोट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा एंड इसका डुप्लीकेट यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा ग्लो आ चुका है एंड आई थिंक इतना ग्लो बहुत है, इससे ज्यादा ग्लो आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको और ज्यादा ग्लो चाहिए तो आप इस नोट को एक बार फिर से डुप्लीकेट कर सकते हो शिफ्ट डी से एंड आपको और ज्यादा भी ग्लो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह भाई आप अपने करेक्टर में इजिली ग्लो एड कर सकते हैं, काफी ईजी है। सबसे पहले आपको PNG क्रिएट कर लेना एंड PNG बनाना ईजी है, आप अपने किसी भी फोटो एडिटर से आप PNG क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और लाइक तो यार कर ही दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपको मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, तो बाय फ्री फायर लवर्स।